पुलवामा में हुई सैनिकों की मौत के बाद हर जगह श्रद्धांजलि और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज अजमेर में बजरंगढ़ चौराहा पर सैन समाज द्वारा सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही रैली के रूप में सैन समाज जिला मुख्यालय पर पहुंचा और प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जहां सैन समाज ने जिलाधीश महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सैन समाज ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 दिन का अवकाश भी रखा है। आज भाई बताइए, जो आज प्रदर्शन किया, क्या कारण है प्रदर्शन का? आज भाई साहब, जो पुलवामा कश्मीर में हमारे सेना के सैनिकों के साथ जो निर्मम कांड किया गया है पाकिस्तान कायर के साथ, कायर ने, उसके विरोध में हम लोगों ने पहाड़ के नाई पंचायत संस्था में शोक सभा रखी, वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद वाहन रैली से हम लोग बजरंगढ़ पे वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री महोदय से अपील करते हैं कि पूरा समाज, पूरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, माँ बहन भाई सभी जने बड़े आक्रोश में हैं। इस कायर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री से एक कर्मठ निवेदन है कि ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जितना जल्दी हो ऐसी एक कार्रवाई करें कि वो ज़िंदगी में याद रखें, दोबारा ऐसी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं करे। नाम बताएं। नाम सैन समाज ने क्या, दुकानें भी बंद? सैन समाज ने आज अपनी दुकानें बंद रखी है उन सैनिकों की याद में, और बाकी सब कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। नाम मेरा सतीश शेरा। किशोर सिंह सोलंकी, टीवी भारत, अजमेर।